रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मुकाबला बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और मैं भी एक माँ हूँ, हर घर में एक माँ है। आप जाहिर है बच्चे पाले होंगे, पाल रही होंगी। हम सब अपने बच्चों को मुकाबला करना सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह ज़िंदगी में सीख सकें कि उन्हें अब मुकाबले में भागना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी थॉट है, एक अच्छा जिसे कहते हैं मुसाबकत का रवैया जब रहे कि आप किसी दूसरे को देख के अच्छा महसूस करें और आपके यार अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो ये इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करनी चाहिए, या अगर उसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है तो मुझे भी कोशिश करके देखनी चाहिए, यहाँ तक तो बात अच्छी है। लेकिन जब बात उससे बढ़ जाती है ना और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये सब कुछ क्यों है जो मेरे पास नहीं है, और चूंकि मेरे पास नहीं है इसलिए उसके पास भी नहीं होना चाहिए, तो ये वो सिफली आदत है, ये वो गलत आदत है, शैतानी आदत है कि जिसकी रखने वालों से भी अल्लाह ताला ने पनाह मांगने का हुक्म दिया है। हमें हासिदीन के शर से पनाह मांगने का हुक्म है और वो हुक्म जो है एक दुआ की सूरत में है। इससे कि ये जो हसद है ना, ये जो एक दूसरे के साथ एक जिसे कहते हैं नेगेटिव किस्म का जज्बा है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैंने ज़िंदगी में छोटा सा, बहुत बड़ी बड़ी बातों में तो पता नहीं क्या होता होगा, छोटा सा तजर्बा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सुबह आते हुए आप अक्सर वो करते हैं कि कभी कभी अक्सर मैं भी करती हूँ, मान लेना चाहिए। कल जैसे बच्चे को स्कूल लेने जा रही थी, आज सुबह आ रही थी, दोनों दफ़ा ये हुआ, होता ये कि आप गाड़ी चला रहे हैं अपनी और आप अचानक देखते हैं कि साथ से एक गाड़ी जो है ना वो अब गलत कर रहे हैं, वो कर ये रहे हैं कि साइड से आ रही हैं वो खातून, पूरा उन्होंने हिजाब जो है वो बांधा हुआ है, आपको देख के लगता है कि एक काबिल एहतराम खातून है, शख्सियत है, अब वो गलत आ रही हैं, अब क्या करेंगे? अगर उन्होंने हिजाब बांधा हुआ है या निकाब किया हुआ है तो उनको गलत बात को सही तस्लीम कर लिया जाए, जो गलत है वो गलत है, जो उसूल कायदे कानून के ख़िलाफ़ है वो ख़िलाफ़ है, वो भले बहुत अच्छा इंसान करे बहुत बुरा इंसान करे वो दोनों का जुर्म एक जैसा है। अच्छा, मैं स्ट्रेट लेन पे हूँ, आ रही हैं और वो नहीं ब्रेक लगा रही हैं और वो चाह रही हैं कि ब्रेक मुझे लगानी चाहिए। अरे कभी कभी तो आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं चल तू लंग जा साड़ी खैर है, पर कभी कभी आप इस मूड में नहीं होते, आप कहते हैं यार मतलब क्या मतलब है आपका, आप क्यों क्या चाह रहे हैं आप और क्या सोच के चाह रहे हैं आप, ये यानी आप अंडरमाइन कर रहे हैं दूसरे को कि आप समझते हैं कि अगर आप ज़बरदस्ती ज़ोर के साथ गाड़ी घुसा देंगे तो दूसरा बंदा जो है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, चूँकि आप ज़रा बुली हैं, रोड बुली हैं। हर वक्त इंसान इस मूड में नहीं होता तो आपकी ना एक टसल शुरू हो जाती है, जो रोड रेज शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ, अब हुआ ये कि मैं थोड़ी सी, मुझे गुस्सा चढ़ गया, वैसे भी थोड़ी सी इरिटेटेड थी, स्कूल रश, बच्चे को लेने जाना है, गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, देर हो रही है, टेंशन है। अच्छा, वो रोड रेज जो होता है ना, या वो जो एक लम्हे के लिए आपके अंदर वो आ जाता है कि ये क्या कर रही हैं, ये अभी हसद नहीं है लेकिन एक मुकाबला सा शुरू हो गया। अब उस मुकाबले में हुआ ये कि उन्होंने जाना था, मैंने कि नहीं जा सकती आप, मैं भी नहीं रास्ता दूंगी, मैं राइट पे हूँ, जब तक मैं नहीं गुजरूंगी आप कैसे साइड से आके गुजर जाएंगी। वो थोड़ी देर हुआ तो हुआ ये कि इस चक्कर में वो जो टर्न था ना, जहाँ से मैंने टर्न करना था वो टर्न ही मिस हो गया, उनके साथ मुकाबले के चक्कर में भूल ही गया कि इधर से मुड़ना था। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ज़िंदगी में आप छोटी छोटी ये जो एक दूसरे के साथ केड़बाजियाँ करते हैं, मुकाबले लगाते हैं ना, उसमें बड़ा नुकसान अपना करते हैं। यू नेवर नो कि आपने उस मुकाबले के चक्कर में कितने हसीन अपने इर्द गिर्द अच्छी बातें मिस कर दी, कितने अच्छी हो रही होंगी आपके अराउंड, आपको ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, आपका ध्यान इसी तरफ रहा कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। सो अगर एक छोटी सी ड्राइव जो है वो इस तरह से नहीं चल सकती कि आप अपने काम से काम रखें, किसी ने गलत किया बुरा किया करने दो होने दो, आप अपने आप को ठीक रखें तो आप अपनी मंजिल पे सही टाइम पे सही तरह से पहुंच सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलों में तो डेफिनेटली ये चीज़ असरअंदाज होती होगी। एनीवे, दिस वाज अ स्मॉल एक्सपीरियंस फ्रॉम माय लाइफ विच आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। विशिंग ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज के मेहमानों की तरफ चलूँगी,
आज की मेरी मेहमान बहुत हसीन खातून है। आपने उन्हें अक्सर रैंप पे फैशन की दुनिया में जलवागर देखा होगा। शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड अ ब्यूटिफुल सुपर मॉडल। एंड आज हम मिलने जा रहे हैं उनकी फैमिली से। प्लीज वेलकम रेचल। Rachel, how are you? I'm good. How यार are you? इतनी लंबी हील पहन के बिना लंबी खातून में बड़ी टेंशन है। सीरियसली आज मैंने लंबी हील नहीं पहनी। शुक्र है तुमने नहीं पहनी, मगर फिर भी तुम्हारे से मिलने के लिए एक दफा ऐसे करके मिलने पड़े। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताओ। How's life? Life is great. यार कहाँ गायब हो, कहाँ गुम हो? गुम नहीं हूँ, आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा ब्रेक पे गई हुई हूँ। अब मैं बहुत चूजी काम कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आई डू व्हाट आई लाइक, तो बस इसी तरह चल रहा है। फैशन थोड़ा सा मैंने कम किया है, अब टीवी की तरफ। एक्टिंग? एक्टिंग, ओह माय गॉड, इसको मैं सीरियसली नहीं लेती नहीं थी, अभी भी सीरियसली नहीं ले रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग के चलो लेट्स। तो एक्टिंग में रेचल हमें रोती धोती नजर आएगी, जब पाकिस्तानी ड्रामास का जब तक आप अच्छा रोना नहीं आता आपको, आप सुपर हीरोइन बन ही नहीं सकती। मैं अपने शुरू के प्लेज में जो मैंने किए थे उसमें बहुत रोई हूँ, मेरा कैरेक्टर ऐसे मुझे मेरे बहुत इमोशनल, बट अब जो मैं कर रही हूँ, अब जो मतलब प्रोसेसिंग में है प्ले, वो इतना रोना धोना नहीं है उसमें, थोड़ी सी मैं नखरे वाली बनी। और इवन नेगेटिव कैरेक्टर करने का कभी सोचा कोई ऑफर? नेगेटिव किया मैंने कैरेक्टर, बट टोटली नेगेटिव नहीं किया, बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटली नेगेटिव नहीं किया। बिल्कुल सही। अच्छा, आज आपने मुझे भी और मेरे देखने वालों को भी, हमारे जो ए प्लस के व्यूअर्स हैं उनको भी मिलवाना है अपनी फैमिली से। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस फैमिली, या ये मैं बता सकती हूँ एक्सट्रीमली टैलेंटेड फैमिली। फैमिली का हर एक बंदा जो है ना वो अपने अंदर एक बहुत आर्टिस्ट है, कमाल किस्म का, एक डिफरेंट फील्ड में एक डिफरेंट तरह से काम कर रहा है। लेकिन रेचल अब ओवर टू यू, आपने बताना है हूज़ हू एंड व्हाट। माशाल्लाह मेरी बहुत एक ब्लेस्ड फैमिली, बिकॉज हमारी फैमिली में जैसे कहते हैं ना खून में एक टैलेंट वाली बात, हम लोग भी सरप्राइज थे, मैं खुद सरप्राइज थी जब मैंने देखा कि यार ये तो जनरेशन से जनरेशन चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। सो आई एम रियली हैप्पी जब मुझे आप लोगों ने इन्वाइट किया विद द फैमिली, तो मैंने कहा यार इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा टू इंट्रोड्यूस माई फैमिली एंड शो टू द वर्ल्ड के ये फील्ड कैसी है और इसमें अच्छी अच्छी एक चेंज आ रहा है। ठीक है, सो आज मैं अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ आई हूँ। सो पहले मैं ऑब्वियसली अपने फैमिली के जो मेरे लाडले बच्चे हैं उनमें से मैं एक को बुलाऊँगी। सो ही इज़ माई नेफ्यू, और ये अभी नेफ्यू जो है डबल मीनिंग है, ये भाई का बेटा, बहन का बेटा, बहन का बेटा, पूनम का बेटा, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, ही इज़ अ टैलेंटेड, गिफ्ट इसको एक गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है कि ये बहुत अच्छा डांस, इसको डांस का एक शौक था तो खुद ही सीखा है। और ही इज़ गोना परफॉर्म टुडे ऑल्सो, ठीक है, और प्लस ही इज़ डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग, अब इस तरफ थोड़ा थोड़ा विद द स्टडीज ये साथ साथ कर रहा है। सो आई एम बहुत अजीब सा लगता है, बट आई एम रियली हैप्पी टू इन्वाइट माई लिटिल बेबी आकाश। आकाश, हेलो आकाश, कैसे हैं आप? आई हैव हर्ड के बड़े अच्छे डांसर हैं, तो आज आप खाला के साथ ही डांस करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसके नहीं, साथ, नहीं, साथ, नहीं इसके साथ मैं आपको अपने और टैलेंट दिखाऊंगी खाला के साथ। आज आप मेरा वो टैलेंट देंगे तो शायद आपने नहीं देखा होगा, मुझे पता है। अच्छा, मगर मैंने शो इट टुडे, ओके बिल्कुल, ठीक है। लेकिन खाला के साथ डांस किया हुआ? खाला के साथ काफी बार, एक्चुअली इनको देख के काफी इंस्पायर हुआ था। शादियों में हमने बहुत काफी किया। ये एक लम्हे के लिए समझो कि शादी ही है। अच्छा, आप नजरें दे, नहीं मैं आज आपको खाला के साथ डांस देखना है, इसे कि यार ये इतना प्यारा रिश्ता होता है। ये मेरे मतलब मेरी मासी हैं, माय नेफ्यू इज आल्सो कॉलिंग एग्जैक्टली, वो मुझे एक बहुत अच्छा, एक माँ जैसी, मासी का मतलब माँ जैसी, तो मैं इनको बोलती हूँ, मैं आई एम लाइक मोर फ्रेंड्स टू देम, मेरा इनसे वो एक मतलब डर भी थोड़ा बहुत इनको ही लगता है, मैं तो ऐसी ड्रॉनी नहीं हूँ, बट मेरा इनसे दोस्तों की तरह है, अपनी नीसिस के साथ भी, नेफ्यूज के साथ, दे आर वेरी, बहुत डांटती है ना ये, बहुत मूड स्विंग्स है ना, कब मेरे मूड स्विंग्स, आई मीन जब आप बोल सकते हैं कोई टेंशन नहीं, मैंने कभी ऐसा डाला, मगर अगर जाके नई फैमिली से पूछोगे ना वो भी यही कहेंगे, शी इज अ मॉन्स्टर। रियली रियली, अच्छा मेरा गुस्सा ऐसे सेकंड वापस, मतलब मेरा हमें ऐसे लगता है वो जिन गरीबों पे वो ऐसे ऐसे होता है ना, नहीं लेकिन मैं इनको पता गलत बात पे ही होता है, मैंने कभी टेरर अपना रखा नहीं, इनको पता होता है कहाँ मासी का मुंह खराब होगा कहाँ नहीं। ओके जी, ब्रेक लेनी है और आकाश जो है वो ब्रेक लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज हम आपकी मिलते हैं ब्रेक के बाद, बोले सो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आमदीद, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रिचल बहुत अरसे के बाद अपनी फैमिली को लेकर आई है। इनफैक्ट मेरे शो में पहली दफ़ा अपनी फैमिली के साथ लेकर आई है। मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ रिचल सब लोगों से मिलना है और हमने इंजॉय करना है। उसका एक और एंगल भी है, बाद में शेयर करेंगे। रिचल अब किसको बुला रही है आप बता दें? आई थिंक हम जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको बुला लेते हैं प्लीज। तो मैं अब उनको क्या कहूँ, आप बुला लें। मुझे बताएं मैं उनको क्या। एक तो पाकिस्तान की एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट, आपने उन्हें बहुत सारे ड्रामों में बहुत अच्छा एक्ट करते देखा होगा, कमाल किस्म की। और कुछ रोल्स तो ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि वो बस जब परफॉर्म करती हैं उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, इतना तो मुझे पता है। हाँ, और वो बहुत अच्छी बहन है। हालांकि लोग कहते हैं कि ये माँ है और ये बेटी है, मैं बिल्कुल कहती हूँ मेरी माँ है, बिकॉज उन्होंने मुझे माँ की तरह ही पाला है। एंड उनको बोलती भी माँ हूँ बाय द वे, बट रिश्ते में मेरी बहन है, बट फीलिंग से मेरी माँ है। सो प्लीज वेलकम पूनम। पूनम अस्सलाम। Good morning. मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने इतनी तारीफ सुनी है अभी भी, ये लड़की ऐसे रिश्ते में मेरी बहन है और फीलिंग्स में मेरी माँ है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स करती है चीजों को। हालांकि बहनों ऊपर नीचे की बहनों की तो नहीं बनती होती। ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी हूँ, बीच में तीन है। बीच में तीन ये सबसे। फिर आप बेबी हुई ना? बेबी हूँ मैं अपनी फैमिली में, सबकी बेबी हूँ, मेरे भाई की भी, फिर बहन जो लंदन में, सब मुझे दे ट्रीट मी लाइक अ बेबी अभी तक। और हमें भी ये बेबी की तरह ही ट्रीट करती है, बिल्कुल। सही। अच्छा पूनम जी, मतलब आप बड़ी और उसके, आप सबसे पहले आई मीडिया में, इंडस्ट्री में? नहीं, आप सबसे पहले आई मतलब वालिद के बाद, मेरे वालिद साहब, मेरी मामा, वो भी एक्टिंग में थे? नहीं, डैडी म्यूजिक डायरेक्टर थे और मामा एक्टर थे। ओके, ये वो आर्ट काउंसिल में जैसे लाइव आर्ट, उसमें जैसे एक परफॉर्मेंस कथक और इस तरह की, जब एक टाइम जब ये चीजें होती थी तो तब से स्टेज पे परफॉर्म कर रहे परफॉर्मेंस। ठीक है, बाद में सारे बहन भाई, मतलब मैं आई, फिर मेरा भाई, दोनों भाई, फिर लास्ट में ये आई। अब ये, अब ये है, अब ये ठीक है। और मुश्किल नहीं हुई मतलब आने में? एक जाहिर है फैमिली में अगर था तो फिर तो नहीं, मुश्किल नहीं रहा होगा, शुक्र है खुदा का। मतलब मुश्किल से ये है कि वो पहले मैंने स्टेज पे किया, फिर मेरी मामा चूँकि जानती थी यावर रियाज साहब को, फिर वो इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैं पहला प्ले मैंने किया। और जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गई तो मैं मशहूर हो चुकी थी। हाँ, मशहूर नहीं, आपका तो चेहरा इतना शनासा है, आपको देख के ऐसे लगता है जैसे आप ना बहुत सिमिलियर कोई चीज़, बहुत अपनी, बहुत लगता। कितने कैरेक्टर्स किए आपने? बहुत याद है मुझे। फिल्म्स मैंने तीन चार की हैं, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ में मैंने रोल बहुत तरह तरह बहुत किए हैं। मैंने नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही करती रही हूँ, फिर अब नेगेटिव और फिर पागल रोल भी किया मैंने। तो अच्छा है ना रोल? हाँ, मतलब मुझे ये लगता कि यार मैंने वो करना था, ये करना था। लॉट ऑफ वर्क। पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसका बड़ा शनासा चेहरा और बड़ी कमाल किस्म के एक्टर। आपने नहीं मॉडलिंग करने का सोचा था? ऐसे नहीं की मैंने, रैम मॉडलिंग नहीं की, लेकिन मैंने प्रिंट मॉडलिंग होती है जैसे वो प्रोडक्ट थी उसका हमने किया। तो मैंने मॉडल होने के लिए बहुत यंग, बहुत स्किनी होना क्यों जरूरी है? आप मुझे देख के लगता है मैं स्किनी कभी हो सकती थी? मैं कभी स्किनी मॉडल नहीं रही हूँ, मैं ना हो सकती हुई ना मैं, बिकॉज मेरा फ्रेम भी ऐसा है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये चला था। आई मीन स्टिल पाकिस्तान में तो है, बट इन यूरोप और बाहर में अब ये चीजें उन्होंने बंद कर दी है। दे नीड अ सर्टेन वेट जिसमें आपको मॉडल रहना चाहिए, बहुत स्किनी उनको चाहिए, जीरो साइज खत्म। बट हमारे मुल्क में अभी तो खैर वैसे भी फैशन खत्म हो चुका है, अब फैशन का वो चीज रही नहीं है। बट हाँ, स्किनी मांगते हैं। बट मैंने तभी का मैंने कहा मैं आई एम द ऑड वन एंड आई एम हैप्पी विद इट, आई हैव नो रिग्रेट। अच्छा, बाकी फैमिली मेंबर्स से भी मिलवाओ ना? अच्छा, बाकी फैमिली मेंबर मेरे, अब दो जो मैं बुला रही हूँ वो मिनी मी मैं कह सकती हूँ। तो अब मैं जिनको बुला रही हूँ, मेरी नीसेस को, मेरे भाई की बेटी हैं वो, मैं आप बोल सकते हो मिनी मी है, मतलब मेरी, मुझे अपनी झलक दिखती है उनमें। तो दोनों माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। एक जो है बड़ी वाली मिशेल, वो ऑल गर्ल्स बैंड में अभी ड्रमर, एज अ ड्रमर कर रही, प्रोफेशनली काम कर रही है, और सिंगर भी बहुत अच्छी है। अभी सिंगिंग की तरफ उसको मैं ला रही हूँ, जरा कि करे मैं ला रही हूँ। हाँ, वो चाहती है बट कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उसका है, बट आज शी इज गोना सिंग फॉर श्योर। ओके, और दूसरी जो है वो मॉडल बनेंगी और बन रही हैं, अभी उन्होंने एक दो शूट्स भी किए हैं, तो इंशाल्लाह। पढ़ाई क्योंकि साथ साथ चल रही है तो अभी इनको थोड़ा सा इतना मैं टाइम नहीं देने दे रही। सो आई एम वेरी हैप्पी
to call my little another two babies. Yes. So please welcome Mishal and Milka. Mishal and Milka. She must be Mishal, right? No, she's Mishal. She's Mishal. And she's Milka. Oh, I'm sorry. She's the eldest or वो छोटी है? ये बड़ी हैं. हाँ जी. ये बड़ी हैं. हाँ. यार ये क्या हो रहा है? मतलब यही हो रहा है बस. ये तो मेरी फैमिली वाला सीन चल रहा है. मेरी सबसे छोटी बहन. हाँ जी. अभी तक लोग उसे देख के कहते हैं कि नहीं ये बड़ी है और ये छोटी. तो कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक है. खाला कितनी? अच्छा ये फुफो है. ओके फुफो कैसी है? एक्सप्लेन फुफो. पहले तो आप तशरीफ रखो सारे. आइए आप तशरीफ रखेंगे. हाँ जी पूनम थैंक यू. अब बताओ फुफो कैसी है? She's fine. फुफो की तरफ देख के नहीं फाइन इन द सेंस एज अ पर्सन एज अ वाली है रिश्ते में. हाँ उससे वाली नहीं है. फ्रेंडली है. सुन लिया? फ्रेंडली है. अच्छा और कितना फुफो जो है वो डांट डपट करती हैं रोक टोक करती हैं अरे ये कपड़े नहीं अच्छे मैं तुम्हें बताऊँ ये तुमने क्या कॉम्बिनेशन पहन लिया है. हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं इनको बल्कि हेल्प आउट करती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं है कॉन्फिडेंस रखो हर चीज़ पहनने के लिए हर कपड़ों को कैरी करने के लिए. अगर आपने इस फील्ड में आना है मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कैरी एवरीथिंग. बिल्कुल सही. मिशेल आप भी थैंक यू. क्या फर्क पड़ता है अगर फुफो मॉडल हो? व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स? काफी अच्छा फील होता है. आप फुफो को देख के मॉडलिंग का सोचती हैं? क्या आई वांट टू बी लाइक हर? मैं तो काफी बार कॉपी करने की कोशिश करती हूं इनकी तरह मैं बन पाऊं. तो कॉपी कैसे होती है? मतलब हम यहां पे देखें हाँ? कि अगर हम म्यूजिक ऑन करें हाँ, हम म्यूजिक लगाएं तो आप फुफो की तरह वॉक करेंगी? हां कंसीडर इट योर रैप. ठीक है एंड नेम एक अच्छा सा कोई भी रैप म्यूजिक जो है वो आप लगाएंगे एंड फुफो एंड देन उनके नक्शे कदम पे चलती हुई. फुफो तो अब कहाँ अब ये फुफो अब टीवी की हो गई है. नहीं फुफो आएंगी. फुफो आएंगी एंड देन मिल्का जो है वो आएंगी. आइए लगाएं जी. चले सो कभी आप कब से शुरू किया है प्रोफेशनली आपने? एक साल. एंड हाउ यू फील अबाउट इट? मुश्किल काम है आसान है? मुश्किल है थोड़ा. मुश्किल है. आप पता चलता है कि फुफो कैसे हैवी कपड़े पहन के ब्राइडल बॉक्स? हाँ वेरी गुड. अच्छा जी एक बंदा अभी तक हमने उसको देखा ही नहीं. आपने बहुत तारीफें की आकाश. आकाश तो बस ये है कि आकाश का जो टैलेंट है वो मेन जो अभी इसका है वो डांस है. एक्टिंग भी है और डांस भी है. ठीक है तो आकाश क्या सोचा है हीरो बनना है? कौन सी हीरोइन पे नजर है? बहुत सी. बहुत सी. एक्टिंग तो बचपन से करते आए हैं. हाँ मगर कोई हीरोइन पे नजर होती है ना कि यार ये वाली. मुझे एक्चुअली एनीवन कोई बात नहीं. मुझे महवेश हयात की एक्टिंग काफी अच्छी लगी. महवेश हयात पसंद है तो खुल के कौन है यार महवेश हयात? महवेश हयात पसंद. यू वुड लव टू डांस विद महवेश हयात. यस एंड शी इज अमेजिंग डांसर. शी इज एन अमेजिंग डांसर. आई लव हर टू. बिल्कुल. अच्छा तो कैन यू कंसीडर खाला महवेश हयात फॉर द टाइम बीइंग शॉर्टली? अब तो घर की मुड़ी डाल रहा है ना घर के लोगों को. प्रिपेयर किया हुआ है फॉर द शो. ओके लेट्स सी दैट. चलो पहले वो देख लेते हैं. प्रिपेयर किया हुआ है आपने? खाला वाला हम रख लेते हैं अगली ब्रेक के लिए. खाला को बस मैं है वो वाला देखिए. चलें जी मगर यार टू कैप्चर अ डांसर डांसर कैमरामैन भी होने चाहिए. अब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मूव किधर आ रही है. अब वो इस फ्रेम में थे अभी कि यहाँ से कुछ आएगा पता चल रहा था. सारी मूव तो नीचे चल रही थी ना एकदम सारा. बट अमेजिंग थैंक यू आकाश विद वंडरफुल. थैंक यू. ये तो ब्रेक डांस भी आप बीच में कर रहे थे और साथ आप उसको फॉर्म बताओ कुछ ना क्या क्या था? लिरिकल हिप हॉप. एक्चुअली आई डू हिप हॉप था एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक 5 इयर्स नाउ. 5 years. और खुद ही सीखा पड़ा. मुझे जो प्राउड फील होता है ना हमारे यहाँ कोई डांसिंग पता है अकेडमीज तो है नहीं ना कोई टीचर्स एज सच हैं इस टाइप ऑफ डांसिंग के लिए. तो इसके अंदर बचपन से मतलब कहने की बात नहीं वाकई बचपन से इसको एक डांस का पैशन है. ये कमरे में अपने रूम में जाके खुद ही कोरियोग्राफी खुद ही इसने अपना सारा और इसने हाउ मेनी अवार्ड्स डिड यू वन बाय द वे? 12 अवार्ड्स जो और कहाँ कहाँ होते हैं सिक्सटीन स्कूल में काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे. ठीक है मुझे शुरू से ड्रामेटिक्स एंड डांसिंग
ठीक है, आई यूज टू बी वेरी क्रिएटिव स्कूल में भी काफी, तो मुझे लगता है बॉडी शॉडी पे भी काम किया है आजकल लगाए हुए हैं, सो बड़ी वो भी एक फील चलती है ना साथ साथ के, हां जी आई हैव बिकम टू बी हीरो। दोनों को है जो इनका बड़ा बेटा है, आप बड़े बेटे के बारे में? हां मेरा बड़ा बेटा है वो भी बॉडी वगैरह नई जॉब है तो फिर नहीं मिल पा रहा था ब्रेक, जरा इसलिए एक्टिंग और मॉडलिंग वो भी डायरेक्शन में भी। आज हम इस टैलेंटेड फैमिली से मिल रहे हैं और अभी तुमने शुरू किया है, ऑब्वियसली इनके बहुत सारे टैलेंट्स एंड गपशप जो है आप एंजॉय करने वाले हैं, स्टे विद अस। खुशामदीद, आज हम रिचल एंड फैमिली से मिल रहे हैं और रिचल का एक टैलेंट आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे कि शी इज एन अमेजिंग मॉडल। अब उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की है, वैसे तो कुकिंग भी मैंने सुना बड़ी कमाल करती है, लेकिन ये जो टैलेंट है आई एम श्योर कि आपने इससे पहले स्क्रीन पे देखा, मैं देखा है दूसरे उस पे, हाँ, लेकिन आपने इसको कभी परसों नहीं किया? सुना मैंने नहीं इसलिए किया क्योंकि मैं जब बिकॉज मैं बहुत अर्ली एज में मैंने स्टार्ट किया, वी यूज टू हैव आवर ओन म्यूजिकल बैंड सेवन स्टार के नाम से, 90s की बात है, आई वॉज यंग, एज नहीं बताऊंगी। अच्छा तो तब से मैं बजा रही थी और फिर जब ग्रुप शादियां हो गई सबकी और बस लाइफ चेंजेस, तो फिर प्रस्यू करने का, क्योंकि हमारे उस वक्त म्यूज़िक का इतना कुछ था नहीं। अब जाके एक मेरी नीस क्योंकि खुद ड्रमर है, अब उनका एक ऑल गर्ल्स बैंड है, तो अब थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आ रहा है लड़कियों में, पहले थोड़ा सा इन चीज़ों को इतना, मतलब आई वॉज दी ओनली गर्ल पाकिस्तान में जो ड्रम प्ले कर सकती थी। oh my God. पता नहीं इसके अलावा मुझे पता नहीं और कौन बजाता है, बट अभी तक तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यार कि पाकिस्तान में कोई लड़की ड्रम, बस टैलेंट जाया कर दिया फरा लोगों ने इस माशरे में, तो रिग्रेट होता है। अभी भी आपने मुझ पे बॉम्ब एक तरह से फेंका है, आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके सो लेट्स, बट आपने कहा बजाओ तो मैंने कहा आपने कहा चलिए, फिर पहले मेरा ख्याल है इस बॉम्ब की तबाहियां एंजॉय करें, बस तबाही होगी। अच्छा लेट मी, एज आई थिंक सबको पता होगा, बट ये बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, इन्होंने भी अपनी सिंगिंग करियर परसू नहीं किया एक्टिंग की वजह से, सो अभी थोड़ा सा मैं बजाऊंगी जितना मेरे साथ मेरे जो फेलो, पहले आपकी सोलो परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है, फिर उसके बाद ये गाएंगी, इसको गला खराब होने के बावजूद गाएंगी आज, फौजी जबान में क्या कहते हैं ड्रम सोलो कहते हैं, लेकिन चलिए ड्रम सोलो नहीं मगर ड्रमर सोलो विद द लॉर्ड ऑफ ड्रम्स, चलें जी। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू रिचल, व्हाई यू शुड हैव परसूड दिस, हां यार फरा मैं ऑब्वियसली करना चाहती हूँ, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअली, लेकिन हुआ मैं आई एम एक्चुअली सपोर्टिंग हर इन दिस कि यार आपने करना है, बट गाने का भी रखो और देखें ये तो बहुत काला के बाद मेरा ख्याल है कि अब हम न्यूज को सुनते हैं कि वो ड्रमर ड्रमर कैसी है। हां ऑल गर्ल्स बैंड एंड हियर कम्स, यस कोई भी बस यू स्टार्ट एंड दिल। अच्छा खाला हर मामले में, मतलब आप कोई मॉडल बनना चाहे तो खाला को देख ले, कोई एक्टिंग करना चाहे तो चले वो पूनम की तरफ भी देख ले, एक्टिंग में ही है, एक्टिंग में इनसे इनसे कोई ड्रम बजाना चाहे तो भी वो खाला को देख ले, खाला ऑल इन वन है भाई, ऑल इन वन है, ऑल इन वन, थैंक यू। ठीक है चलें, आई गेस व्हेन आई वाज जस्ट 9 इयर्स ओल्ड, यू वर 9 इयर्स ओल्ड, तब से ये इंट्रोड्यूस हुई थी आपके ये ड्रम होता है और ये इसको ऐसे बजाते, हु इंट्रोड्यूस यू टू द ड्रम? मेरे बाबा डैडा, हां मेरे डैडा, आपके अब्बा ने? अब्बा ने। अच्छा क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, वो हर इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट ड्रम ऑर्गन और वो ज़रा स्क्रीन थोड़ा सा शाय हैं, अभी वो हमारे साथ है बट ही इज़ नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो कह रहे नहीं हम ओके पीछे, तो हम एक्चुअली स्टूडेंट हैं, हमारे मास्टर उस्ताद वो ही हैं, तो जब मैंने जब शुरू किया था ड्रमिंग तो वो सिंगर भी हैं, तो वो भी वो बेसिकली वो ड्रमर थे हमारे बैंड में, तो बीच में एक ब्रेक आता था जिसमें मैं बजाती थी और वो गाते थे गाना, तो मेरे वो पहले सिंगर हैं एक तरह से, तो उन्होंने फिर उन्होंने मुझे सारा इसमें जो टेक्निक्स और वो सब, अब तो इट्स बीन आई डोंट रिमेंबर कि मैं कितने साल के बाद बजा रही हूँ और विदाउट अ प्रैक्टिस, लेकिन कहते हैं ना एक दफा आप जो चीज़ सीख लो फिर वो जाती नहीं है, और ये ऐसा एक ये इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज़ है। हाँ और मुझे लग रहा है यार सीखने से ज़्यादा इट्स इन योर ब्लड, आई एम थॉरली एंजॉयिंग द काइंड ऑफ वो टैलेंट जो आप सब लोग अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, व्हिच इज राइट फ्रॉम माय फादर, मतलब मेरे मेरे दादा अब्बू में कुछ वहाँ सब डॉक्टर्स हैं,
सब बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं हम. माई फादर वॉज अ गॉड गिफ्टेड पर्सन इन दिस, तो वो फिर लेगेसी हमारे सब एक ब्लड में चल रही है. आपको पता है कि ये कितना बड़ा टैलेंट है ये. और बात के हम लोग यहाँ पर बंदर क्या जाने अदरक का सवाद नहीं सुनने के लिए. आपको बताऊँ कान भी सुरीले होने चाहिए. इनका जो बड़ा बेटा है वो भी तबले में, मतलब आपको आप इफ आई टेल यू वो होता तो फिर एक सरप्राइज और था कि तबला इज अ वेरी गुड तबला प्लेयर. ये उस तरफ चले गए कुछ इंस्ट्रूमेंट में आ गए तो सब मिक्स एंड मैच एक हमारा जो कॉकटेल फैमिली है म्यूजिकल. लम्स में पढ़ने का मतलब है कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहा, पढ़ाई में ग्रेड्स में भी बहुत अच्छे रहे और साथ साथ तबला एंड म्यूजिक और ये सब. तो आप एक एक टिपिकल अम्मा की तरह पीछे नहीं पड़ी कि मुकाबला जो मैं अभी ओपनिंग में बात करी थी मुकाबला है ग्रेड छोड़ दो सब कुछ. अच्छा कहने के बावजूद मतलब ना कहने के बावजूद मतलब वो अच्छे मार्क्स एक होता है ना बच्चे में खुद कुछ करने का होता है बच्चों में. तो कभी कहा नहीं है कि ये अच्छे ग्रेड है इतना. जिस तरफ वो जाना चाह रहे थे उनको वहीं भेजा, उनको फ्री माइंड किया ना. तो उन्होंने अपना शौक भी ये भी मतलब से वो ढोल भी बजा लेता है. अच्छा मैं भी ढोल बजा लेती हूं. ये भी ढोल बजा लेती है, भाई भी ढोल बजा लेता है, ये बजा लेती है. आज ऋषल तुमने मुझे ना कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करके ही जा. नहीं 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 यार मुझे मैं बहुत खुश हूं फरा कि आपके शो के उसमें एक प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी पूरी फैमिली के टैलेंट को लेके आई हूं. हमारे घर पे यही होता है म्यूजिकल गप. हम जब बैठते हैं हमें कहते हैं ना गेस्ट की कम ही जरूरत पड़ती है. हम आपस में इतना हमारी फैमिली माशाल्लाह सब इतने एक अच्छे एक फ्रीक्वेंसी पे हैं एक दूसरे के साथ के टेंशन. आई एम श्योर कि वो हमारी फैमिली की तरह नहीं होता होगा कि कोई म्यूजिक लगे तो नहीं 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 ऑब्वियसली बिकॉज सभी हैं बचपन से ही इनमें आंखें खोली तो इनके लिए एक्टिंग और शूटिंग एंड म्यूजिक. ठीक है तो अभी हम गाना लगाने लगे अभी भी ये नहीं होगा. नहीं 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 अभी मैंने क्या पूछा है तुमसे ना. नहीं प्लीज रेचल खाला एंड आकाश. आकाश क्या हम क्या करेंगे प्लीज ना. वो भी वो एक डांसर की तरह आस्क कर के हाँ बोला विल यू डांस विद मासी विल यू डांस विद मी. नहीं नहीं आई विल डेफिनेटली वो तो मुझे नहीं बट अभी अभी जो कर रहे हैं पहले इसका कर ले फिर थोड़ी हाँ फिर म्यूजिक पे आते हैं कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल से. सो गाना हम प्ले करने वाले और आप मासी का एंड भांजे का दिस इज आकाश अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन उनका खूबसूरत डांस है हम एंजॉय करेंगे. वॉइस डांस है ना इसमें खाला कैसे फिट होती होगी. खाला भी यही वाला डांस करती है. नहीं नहीं खाला आप हेलो मतलब क्या खाला भी ऐसे ऐसे करके ब्रेक कर रही है. नहीं नहीं खाला आई कैन कॉपी वो भी ये मुझे इन्होंने हमने एक दफा किया था बहुत पहले तो थोड़ा बहुत बट इस तरह का डांस तो नहीं. तो थोड़ा सा तो करके दिखा दो यार हमें कुछ समझ तो आए कि क्या ये सेम गाना. नहीं नहीं गाना चेंज कर दो. इस पे कैसे मैं ये इसके बाद आप क्या चाह रही इज्जत जो बनाई है मैंने अभी आपके मॉर्निंग शो पे इतनी टैलेंटेड बनी हुई है बाद में अच्छा लो जी ओके चलो जी गाना चेंज कर दें पसंद का गाना लगाते हैं बस मैं थोड़ा बहुत चाहिए थोड़ा बहुत. अब मीनवाइल हम ब्रेक भी ले लेते हैं और फिर आते हैं देखते हैं कि हां ब्रेक बहुत जरूरी है बनता है यहां इसके बाद ब्रेक बनते खुशामदी जनाब. आज वी आर हैविंग वंडरफुल टाइम विद रिचल एंड फैमिली और रिचल ने हमें टरखा टरखा के ब्रेक में हमने गाना फाइनल कर लिया है फाइनली और अब हम इससे आगे कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि हम आकाश को और रिचल को नहीं देखेंगे इन एक्शन. चैलेंजिंग गाना किसकी पसंद का है. थैंक यू थैंक यू. गाना किसकी पसंद का है. गाना मेरी मैंने सबसे आसान गाना सुना है ताकि मेरे फ्लॉस छुप जाए. ओके चले जी अच्छी टेंशन में डाला हुआ था मैं इसने मुझे कवर कर लिया. थैंक यू भाई. आकाश को समझ नहीं आ रही थी कि खाला क्या चाह रही है. समझ नहीं आ रही थी खाला क्या चाह रही है और मुझे समझ नहीं थी कि आप क्या चाह रही हैं. मैं तो आई वाज थॉरली एंजॉयिंग यार. मैं ये सोच रही थी कि इस फैमिली में कोई डिप्रेशन नहीं होता होगा. अल्लाह का शुक्र है नहीं है ना. नहीं बिकॉज यू आता है तो हम लेकिन खुदा ना खास्ता का कोई मसला भी होता है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं. हाँ ठीक है फ्रेंड्स की ठीक है. द पीपल हु कैन लाफ टुगेदर हु कैन डांस टुगेदर हु कैन सिट एंड टॉक टुगेदर आपको पता है हम में से कोई भी अपसेट होता है ना पूरी फैमिली ऐसे हल्ला बोल देती है एंड वी ट्राई टू मेक दैट पर्सन द मेंबर के वो हंसे वो कंफर्टेबल हो. तभी हमने कभी पढ़ाई पे बच्चों को प्रेशर नहीं किया. क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला है रिचल जी. मसला ये है कि हम लोग मतलब एक हमारा अच्छा 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 गुड गुड पोज जो है वो घर वालों के सामने होता है. एक हमारा जो शरारतीपन है ना फिर उसके लिए हम ढूंढते हैं बाहर के यार अब वो किसके साथ को हमारा वो एंगल शेयर हो जहाँ हम फन करें मौज
بچے اس چکر میں خراب ہوتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ ہو, ہمیں اتنا سیریس ماحول گھر میں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس کے بعد وہ اتنی ریجیمنٹڈ لائف, بالکل, اینڈ دین دا لک فار کہ اماں سے جان کب چھوٹے گی اور کب ہم سنیک آؤٹ. اور الٹا مجھے کہنا پڑتا ہے ان کو بچوں کو کہ بیٹا باہر آؤ, موسم بہت اچھا ہے, ذرا اپنے کمرے سے باہر نکلو, گھر کا ماحول ذرا باہر آ کے دیکھو. ہاں میری بھابھی, میرا بھائی, ہم سب ایک, وی آر لائک فرینڈز, ہم ان کے ساتھ, میں ان ساتھ اسٹوپڈ حرکتیں بھی کروں گی, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اپنے گھر میں. پر ایک طرح سے بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ بچوں سے فرینڈلی ماحول رکھتے ہو نا, تو بچوں کے ساتھ آپ ان کے جو پرابلمس ہیں یا کچھ بھی آتا ہے وہ آپ ساتھ سالو کرتے ہو. بچوں کو یہ نہ ہو یار وہاں کیسے, جب آپ کو گھر میں اچھے دوست مل جاتے ہیں, ماں ہے, خالہ ہے یا جو بھی فیملی ممبر ہے, تو بچے پھر اسپوائل نہیں ہوتے. ہم لوگ گھر میں بہت نوٹی ہوتے ہیں, ہم لوگ باہر تھوڑا سا ایک, آئی کین فیل دیٹ نا, گھر میں ہم لوگ, آپ کا گھر میں اتنا فن ہوتا ہوگا کہ بچوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی کہ یار ماما بہت بوریت ہے, پلیز کین وی گو آؤٹ, یہ گھر سے نکلتے نہیں, گھر میں ہم لوگ برتھ ڈیز ہو, کوئی کرسمس ہو, چیزیں ہم آپس میں, ہمارا اتنا فن ہوتا ہے, اینڈ وی لائک فرینڈز ایز آئی سیڈ, دیٹس گڈ پارٹ. اچھا ایک اور چیز بھی ہے جی, ماشاء اللہ یو بلانگ ٹو ڈفرنٹ فیتھ گروپ, کرسچینٹی کے ساتھ تعلق میں نے فیل کیا ہے. میری بیسٹ فرینڈ ان گریجویشن واز اے کرسچن, روحما گل واز ہر نیم جی, دین مائی بیسٹ فرینڈ ان وین آئی واز ان جے پی ایم سی کراچی واز اے ہندو, اچھا موہنی واز ہر نیم, اچھا اور یہ بول موہنی اسپیشلی از اے پرسن جسے میں آج تک مس کرتی ہوں, بیکاز دا کائنڈ آف لو شی گیو می اینڈ دا کائنڈ آف ٹرسٹ وی ہیڈ نا, وہ آج تک نہیں مجھے, بہت اپنے فیتھ کے لوگوں میں بھی اس طرح سے. مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ, ہاؤ یو فیل اباؤٹ دیٹ کہ آپ لوگ ڈانس بھی کرتے ہو, گاتے بھی ہو, بیٹھتے بھی ہو, اینڈ دیر از نو آکورڈنیس اباؤٹ. میں آپ کو بتاؤں, کرسچینٹی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اوبویسلی ہمیں کوئی ایسا, ہماری میجورٹی جو کرسچینٹی میں فیملیز کا ایک لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہی ہے, میوزک میں ہے, کیونکہ ہماری کیرلز ہوتی ہیں کرسمس پہ چرچز میں, تو ہمارے پراپر ایک جتنے میوزک پلیئر ہوتے ہیں, انسٹرومینٹل پلیئر اینڈ دین میوزک ڈائریکٹرز جی, وہ ہم لوگوں کا ایک ریلیجن میں بھی ہے, لیکن ہماری کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جیسے کہتے ہیں نا اسے بہت کٹر جس کو کہتے ہیں, ویسے ہمارے ہمارے دادکاؤں میں وہ ایک اسٹرکٹلی کرسچن انوائرمنٹ ان کا ہے, حالانکہ وہ آپ کرسچن انوائرمنٹ نہیں کہہ سکتے نہ مسلم انوائرمنٹ کہہ سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے اپنی فیملی کو کس طرح سے ریز کرتے ہو. ریلیجن بہت افیکٹ کرتا ہے, ہمارے ریلیجن میں ایک ایز ہے اس بات کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, بہت پراؤڈ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ, مطلب اپنا میں آپ کو بتاؤں گی, مجھے ہمیں ایکسیپٹنس بہت, ایک مطلب میرے زیادہ فرینڈس مسلمز میں ہیں, فیملی ساری کرسچنز ہماری ہیں, بٹ بہت زیادہ مجھے ہوتا ہے آئی فیل پراؤڈ, میں نے کبھی بھی اپنا ریلیجن فرام دا ڈے ون آئی ویک مائی کراس, میں نے کبھی نہیں اس چیز کو چھپایا کہ, اور ہمیں کبھی مسئلہ بھی نہیں ہوا, کبھی مسئلہ نہیں ہوا, شکر ہے اتنا پیار ویسا ہی ملا ہے فین سے بھی, بیکاز یہ ایک ہی چیز کے مختلف روپ اینڈ پرکو ہے نا, کہ ایک ریلیجن پر ایسا بھی یہاں ہوتا ہے, آپ دیکھیں اگر لڑائی جھگڑے ہونے تو وہ سیم ریلیجن میں بھی ہوتے ہیں, دشمنیاں سیم میں بھی ہو جاتی ہیں, تو یہ آئی تھنک یہ سوسائٹی ہوتی ہے جو اس چیز کو مائنڈ سیٹ بنا. چھوٹا سا ایک واقعہ ریچل سنا دوں, میں کراچی میں پڑھا کرتی تو ہمارا ہاسٹل تھا آکاش, سو وی لیوڈ ان دیٹ ہاسٹل فار 5 years, 5 سال ہم لوگ مطلب ہاسٹلائز تھے. اب ہاسٹل میں نا ایک بڑا سا کمرہ جس میں 5 beds لگے ہوتے ہیں, 2 washroom ہیں, 5 لوگوں کی الگ الگ الماری ہیں, ایک بڑی اس طرح کی زندگی. مونی ہندو تھی اینڈ شی واز دا اونلی ہندو, تو اب اس کی آکورڈنیس آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ہندو ہے اور اس نے اپنا وہ اس نے اپنے بھگوان اور سب کچھ, تو میرے ساتھ اس کی چارپائی ہوتی تھی اینڈ آبویسلی باقی لوگ ور ناٹ سو ویلکمنگ, حالانکہ اتنا کوئی بہت مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بہت ڈر ڈر کے, میں نے کہا کیا کرتی ہو تم الماری کھول کے اپنی اس میں گھس جاتی ہو, کہتی ہے اس نے مجھے دکھایا, اس نے نا اپنی الماری کے ایک شیلف میں اپنا چھوٹا سا مندر بنایا ہوا تھا, یعنی اپنے اس نے بھگوان ماں رکھے ہوئے اور وہ اس کو کھول کر اور وہاں پر اس کی جو بھی عبادت ہوتی تھی وہ کرتی تھی اور اس کے بعد اسے بند کر کے تو بیٹھ جاتی تھی. میں چھوٹی سی بات رچل جس سے میری اس سے دوستی, آئی فال ان لو ود دیٹ گرل, تو میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا یار میں نے نا وہ مل کے دعا کرتے ہیں بیٹھ کے, پیپر شروع ہونے والے تھے, آج تک ککھ نہیں تھا, اینڈ وی بلیو کہ یار دعا مانگیں گے آسانی ہو جائے گی, وی گاٹ ٹوگیدر. اب اس کو یہ فیل ہوا کہ یار یہ کہیں یہ نہ فیل کریں کہ میرے اندر آنے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کچھ ہو مسئلہ ہوگا. تو اب وہ کیا کرے, دروازے سے مجھے جھانک کے دیکھے, اب فرا تمہیں کسی چیز کی, مجھے فری کہتی تھی, فری تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں ہے تم اندر آ جاؤ,
اب اسے باقی لڑکیوں سے نہیں نہیں میں جب تم فارغ ہو جاؤ گی میں تب آؤں گی. تھوڑی دیر بعد پھر فرح اب لمبا تھا تو اس نے مجھے کہا فرح میں تمہارے لیے کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں, میں تمہیں چائے بنا دوں تم سب لوگوں کے لیے. رچل آئی فال ان لو ود دیٹ گرل. مجھے لگا کہ وہ جو ہے نا ہماری یہ جو ہے کہ ناپاک اور پاک اور عبادت اور یہ سب نے اوپر سے ہی مانگنا ہے. دیکھیں سب کے اپنے اپنے بلیوز ہوتے ہیں, تو میں تو اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتی ہوں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. فرح اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں نا, آپ کسی مذہب سے بلانگ کرتے ہو, میرے حساب سے آپ اپنے مذہب کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہو, کیونکہ کوئی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کا گلا کاٹو, کسی کو مارو, کسی کو برا کہو. ہمارے پروفٹس نے کتنا ظلم اپنے پہ, کتنی انہوں نے لان تان سنی ہے, باتیں سنی ہیں. کیا ان کو وہ نہیں کچھ, ان کے ہاتھ میں پاور کیا نہیں تھی, لیکن وہ انسانیت ان کا پیغام تھا. یہ ہمارے اب ایک انفارچونیٹلی کچھ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں لوگوں میں, کچھ سرٹن چیزیں ہیں لوگوں کے مائنڈ میں جو مجھے بہت دکھ بھی ہوتا ہے, سنتے رہتے ہیں آئے دن. پھر میں کہتی ہوں چلو لیٹس سی انشاءاللہ, ہوپ فار دی بیسٹ. مگر ہم ایسے انسان ہیں, ہم سب برابر ضرور کر دیتے ہوتے ہیں. ویک ڈیز جو ہوتے تھے ان میں تو ہم اکٹھے ہوتے تھے. جب ویکینڈ آتا تھا میں تو اسلام آباد سے تھی, اب اتنا ٹریول کر کے کون واپس آئے. شی واز فرام حیدرآباد. اچھا تو ایک دن اس نے کہا میرے ساتھ چلو نا ہم ویکینڈ پہ, تم اکیلی ہوتی ہو ہاسٹل میں. اچھا میں نے کہا اچھا چلو میں چلتی ہوں. میں نے اماں سے پرمیشن لی, وارڈن کو بتایا, اینڈ وی وینٹ ٹو حیدرآباد. اب حیدرآباد اس کی تو ہندو فیملی. اچھا اب جب نماز پڑھنے کا وقت ہوا, اسے پتا تھا اس نے نماز پڑھنی. اب مجھے کہ ایک منٹ تم 10 منٹ رکو گی. میں نے کہا پتہ نہیں اسے کیا ٹینشن ہے. تھوڑی دیر کے بعد آئی, وہ ہمارے ساتھ والے مسلم ہے, پلیز وہاں جا کے پڑھ لو گی, میرے فیملی تھوڑا سا برا منائے. تو آئی فیلٹ کہ یار یہ ہر جگہ ہر بندہ ہر جگہ دیکھیں اس کی فیملی میں وہ کتنی ڈفرینٹ تھی اور باقی لوگ آپ دیکھیں والی بات. یہ سارا یہی ہے, اگر آپ نے ایک ہی چیز کو لے کے کھینچنا ہے نا فرا, تو وہ آپ نسل در نسل اس چیز کو خراب کر سکتے ہو. نہیں کرنا تو یو کین بی دا ون ہو کین برنگ دا چینج. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک چینج, ایک ٹرینڈ سیٹر بننا چاہیے, نہ کہ ایک فالوورز بننا چاہیے. بالکل. اور پتہ ہے بیسٹ پارٹ از کہ ہم ایک دوسرے کی جو بیوٹیز ہیں اسے انجوائے کریں, بیکاز ہم سب اتنے ڈفرینٹ. اب جیسے پونم جی اسکن ہے, ہاں پونم جی اتنی خوبصورت آواز لے کے چپ بیٹھی ہوئی ہیں, کتنی عجیب سی بات. میں نہیں بولنے دے رہی, سوری. نہیں نہیں آپ بات کرو. نہیں نہیں میں سن رہی ہوں, اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ چپ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم بولتے جا رہے ہیں. ہاں یار میرا گلا بہت خراب ہے. کوئی بات مجھے سمجھ آ گئی. پر اب آپ کی باری. ہر بڑے سنگر کا صبح گلا خراب ہوتا ہے, ہمیں اس کی یاد نہیں. بڑے سنگر نہیں ہو لیکن یہ میری آواز, باقی چار چار آوازیں نکل رہی ہیں. تھوڑا سا گنگنا دو, تھوڑا سا گنگنا دے, بالکل چکھا دے, باقی گانا بعد میں آگے گلا. اتنی ٹینشن میں کبھی کسی شو میں ہوئی نہیں ہے. آج مجھے تھا یار مجھے گانا ہے, اور مجھے باقی گانے کا بہت شوق ہے, اور مجھے اپنی آواز سے بہت. بالکل صحیح جناب میوزیشنز, میرے پیارے سے میوزیشنز. جی مشیل آپ بجاؤ گے ساتھ ہلکا سا؟ غلط نہ ہو جائے. ان کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہہ دیں ابھی. ان کی ہیپی برتھ ڈے کہہ دیں. میرے فیورٹ سنگر ہیں, واقعی بہت گریٹ سنگر ہیں, اور میرے بہت فیورٹ. تو سجاد علی صاحب ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے, وش یو ا لانگ ونڈرفل لائف. ہاں ونڈرفل لائف اہیڈ. اور بریک لیں گے, رچل بریک آپ نے. ابھی ہم واپس آئیں گے کیونکہ فرح نے ابھی کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھا ہوگا ہمارے لیے سرپرائز. سو پلیز کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بہت خوبصورت گایا. مجھے لگ رہا تھا پلے بیک سنگر کی جو آواز ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی. کب سے گا رہے ہیں اس پہ مائک میں بتائیں گے؟ 15 ایئرز ہو گئے ہیں. 15 سال ہو گئے ہیں گاتے ہوئے, لیکن کوئی گانا ایسا منظر عام پر نہیں آیا. میں نے پرسو گایا کافی. اچھا جی, پی ٹی وی پہ کافی میرے چلتے ہیں, لیکن میری چونکہ زبان پنجابی ہے تو وہاں ہم سیٹل ہیں, تو میں نے اپنی زبان کو اردو کو ترجیح دی کہ اس میں بھی کرنا چاہیے. اللہ نے دیا ہوا اندر ایک عمران, اس کو نکالوں میں. خوبصورت گانا, تھینک یو ویری مچ, وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ علی عمران, اور تھینک یو. پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, اور ایسے ایسے لوگ. اس سے مجھے انسپریشن نہیں ملی علی عمران سے, جو کہ آج ابھی آپ کے سامنے انہوں نے پرفارم کیا, کہ یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں, اگر علی عمران نے اپنا خوبصورت سا گانا بنایا ہے اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے پرفارم کیا, آپ کہیں بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنا چاہتے ہیں, آپ اپنا ٹیلنٹ ایگزیبٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا فین پیج ایک نئی صبح کے نام سے آپ کے پاس ہے, آپ اپنا نام, فون نمبر اور اپنا جو بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے وہ ڈال کے شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں. اینڈ وی وڈ لو ٹو ویلکم یو, پروموٹ یو, ہائی لائٹ یو. مجھے لگتا ہے کہ یار نہیں, بہت اچھا آپ کر رہے ہو, کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم میل لوگوں کے لیے کم ہے. ہاں اور آپ نے بہت اچھا میوزک میں آپ کر رہے ہو, کہ میوزک آئی ڈونٹ تھنک ہمیں بہت سرٹن
एक रिस्ट्रिक्टेड चीज मिल गई है कि वहीं आपको और वो भी न्यू टैलेंट को बहुत मुश्किल से, जैसे अभी डांस का एक टैलेंट है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, है नहीं। आपने आपको बहुत से ऐसे इसके जब कंपटीशन था तो बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे डांस, बहुत अच्छे, बट प्रॉब्लम वही कि कहाँ जाएं अब, क्योंकि ये फैमिली इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि फैमिली में है तो हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल, और देखो हम हमारे बड़े डबल स्टैंडर्ड है बहुत, हम जब यहाँ पे आते हैं कहते हैं डांस नहीं करना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए, और फिर हम कहते हैं हमारी फिल्म्स तो ड्रामो जैसी हैं, भाई फिल्म में कहाँ से वो एक्टर आएंगे, वो गुड डांसर जिनकी बॉडी मोबिलिटी है, वो जाहिर है वो वही रिजिड एक्टर्स हैं जो टेलीविजन करते हुए आएंगे, तो वो दे विल नॉट बी एबल टू। बात ना फरा, सोसाइटी की वजह से लोग कुछ अपना टैलेंट खत्म कर देते हैं, कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, आई थिंक बहुत मेजॉरिटी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती। तो मैं यही बोलूँगी आपके आज मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों में, अगर आपको कुछ टैलेंट दिखता है किसी भी किस्म का, एक्टिंग हो, डांस हो, डायरेक्शन हो, फैशन हो, कुछ भी हो, प्लीज़ सपोर्ट देम। देखिए अच्छा बुरा इंसान खुद होता है, माहौल किसी भी जॉब का माहौल में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बिल्कुल, हमारे एक माइंड सेट है लोगों का कि जी ये तो फील्ड नहीं थी, यहाँ के लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी फैमिली एक इस तरह की मिसाल है, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो शी इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो टोटली ऑपोजिट है, ठीक है, बट वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इनको कि तुम इस टैलेंट को आगे लेकर जाओ। तो फैमिली की सपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मिशेल बहुत खामोश बैठी है, ये बहुत खामोश है, जो खामोश बैठे उसको गाना पड़ता है, हाँ है ना, जो खामोश रहेगा उसको गाना पड़ेगा। क्या ख्याल है मिल का, आपको बिल्कुल ये अप्लाई हो जाएगा? नहीं, अभी खामोश गाने पे अप्लाई नहीं होगा इसमें। नहीं नहीं, मैं नहीं गाती। मैं नहीं गाती, मुझे लगा आप उनकी बात कर रही हैं। मुझे सारा नहीं आता, बट थोड़ा सा ठीक है। ये हमारा सारी खवातीन का एक मुश्तरक, खवातीनों हजरात का फेवरेट गाना सुनाने लगी है मिशेल, और ये गाना सारी खवातीन को, वैसे तो मर्दों को भी बहुत ज्यादा, बहुत गाना ही बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। एंड आई डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय मिशेल टू माय पेरेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है उनका रिलेशनशिप इसी तरह का ही है कि धूप छाओ का मौसम रहा जुदाई। पता आज आई नो के इसके फादर बहुत खुश होंगे, एंड आई कैन सी, आई सीन इन, मुझे इस तरह हंस रहे थे खुश से, क्योंकि ये इस तरफ नहीं ध्यान दे रही थी, तो वो आज इतने खुश होंगे कि ये गा रही है, सो आई एम रियली हैप्पी कि इसने आज गा दिया। वेरी गुड, सो लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करेंगे। आप पे मोम फेंक रहे हैं। अरे लेकिन मैंने देखा है कि जूते एक जैसे तो ये शॉपिंग कौन करता है? हमने इकट्ठे लिए थे एक्चुअली, मैंने किसको पसंद आ गया तो मैंने कहा लेट्स, तो आज हमने कहा ट्विनिंग करते हैं, मेरी ट्विन ही समझे इस मामले। अच्छा, तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग चलती है? अच्छा मुझे बताओ कि ये मतलब हाउ टू कैरी योर सेल्फ एज अ मॉडल, लड़कियाँ आजकल मैंने एक चीज फील करना शुरू की है, जब आप स्ट्रेस में, और पता था पहले भी, लेकिन स्ट्रेस में होता है ना तो राउंड शोल्डर राउंड रहते हैं, आजकल मैं बैठे हुए भी कोशिश कर रही थी नहीं यार स्ट्रेट, वो आपका पोस्चर होता है ना, मॉडलिंग में जो मेन चीज सिखाई जाती है वो होती है आपकी पोस्चर। मतलब मैं तो इतनी आदत हो गई है कि मैं बिल्कुल ऐसे बैठी स्ट्रेट रहती हूँ, और मैंने जो आपने से बात की कि हमारी जो नॉर्मल लड़कियां हैं या जो हाउस वाइफ हैं, पहले तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, अगर घर में आप बैठी हुई हैं तो स्ट्रेट शोल्डर करने का तरीका क्या, मतलब आपकी बैक ये देखें ऐसे होना चाहिए, आपका मतलब है कि आप अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप यू कर लें, आप नॉर्मल रखें, जब आप इस चीज को स्ट्रेट रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पीछे जाएंगे, ठीक है। और ये आई थिंक मॉडल हो ना हो, कपड़े आपने कैरी करने होते हैं, आपको ये चीज स्लाउच वैसे ही अच्छा नहीं लगता, हाँ। ना लड़कों पे ना लड़कियों पे, तो ये चीज़ें हमने करनी है, बस थोड़ा सा अपने आप अपना कॉन्फिडेंस से ये सब होता है, कॉन्फिडेंस ना आपने लूज नहीं करना अपना, और स्पेशली हील्स मैं ये मेंशन करना चाहूँगी फरा, हमारी लड़कियों को बच्चियों को हाउसवाइफ को पता नहीं होता कि हील कितनी पहननी, बस उन्होंने देखा ना कि एक मॉडल, देखिए हमें प्रैक्टिस होती है, हमने हैवी से हैवी जोड़ा पहनना होता है, हमें पता है हील कैसे कैसे पहननी, हर साइज़ की हील होती है, लेकिन आपको पता है मैंने कभी भी, मुझे तो जरूरत भी नहीं थी वरना, लेकिन मॉडल्स कई टॉल मॉडल्स भी पहनती हैं चार चार इंचेस, मैं उतनी पहनती जितनी मैं वॉक कर सकूं। अब हमारे जो नॉर्मल फैमिलीज में लड़कियां पहन के तो यूं चल रही होती हैं, ऐसे ऐसे ऊँट भी चल रहा होता है, ऐसे मैं मुझे ये समझ नहीं आता कि आप उतनी पहने जितनी आप कैरी कर सकते हो, हील चार इंच पहनने से आपकी हाइट उतनी ही रहेगी जितनी आप हो हाइट में, हाँ अगर कैमरे पे आप लंबे लग सकते हो क्योंकि आपका कैमरा इधर होगा, बट अगर आपको ऐसे देख रहा है उसको समझ आ रही है कि आपकी हाइट कितनी है और आपने कितनी हील से उसको बढ़ाया हुआ है, और आई थिंक ग्रेस बहुत ज़रूरी है,
ہیل کم ہو زیادہ ہو اگر آپ کیری کر سکتے ہیں. جیسے میں آمنہ حق کی بہت بڑی فین ہوں اور ان کی فین میں اس لیے بھی ہوں کہ وہ واحد ماڈل میں نے دیکھی تھی جو 5 inch کی ہیل پہن کے شی یوز ٹو واک لائک واکنگ ان اے فلیٹس. یہ بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اٹ نیڈز لاٹ آف پریکٹس. اور پریکٹس کیسے ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹی وی پہ موویز میں کہ بکس رکھ کے دو ہیل پہن کے بکس کے ساتھ. کیٹ واک کا مطلب ہوتا ہے ٹو واک لائک دا کیٹ. اب آپ دیکھیں نا جب بلی چلتی ہے تو اس کے پاؤں ایسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے پھر کئی یوں چلنا شروع ہو جاتی ہیں لائک دس. جتنے لانگ اسٹیپس لیں گے اس طرح سے آپ کا پوسچر ٹھیک ہوگا, آپ کا باڈی بیلنس ٹھیک ہوگا. آپ ٹرپ نہیں کرو گے. آپ ٹرپ نارملی کیوں کرتے ہو؟ ہیوی ڈریسز میں لہنگوں میں آپ کو کیٹ واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہنگوں میں آپ نے اسے نارمل آپ چلتے ہو مطلب ایسے نارمل ایسے, کیونکہ لہنگا سنبھالنا ہی اپنے آپ میں ایک آرٹ بہت بڑا رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو لہنگوں میں پلیز لہنگوں میں آپ کو ایسے, میں اکثر شادیوں میں دیکھتی ہوں ایسے چل رہی ہوتی ہے ساتھ لہنگا ایسے پکڑا ہوتا ہے, بڑا آرٹ فنی لگتا ہے اور لگتا ہے کہ یار یہ وہ چیز کر رہے ہو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سو بی کمفرٹیبل, بی وٹ یو آر. کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, خود کو پرابلم میں ڈالنے کے لیے. آپ جیسے ہو ویسے ہی رہو. سو واک ود دا کانفیڈنس. جو اب دیکھیں میں یہ بلیف کرتی ہوں کہ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, یو آر پرفیکٹ. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے اپروولز دینے کے لیے اور کہ میں گوری ہو جاؤں. کریمز لگاتی ہے جو آپ کی اسکن ہے. میں اسی کلر سے اپنا نام بنایا ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ میں ٹین ہوں. یو نو بیوٹیفل کلر. اگر میں مطلب ڈارکر بھی ہوتی پرا تو میں بہت پراؤڈ ہوتی ہوں. آئی لو مائی اسکن. اس لیے آپ لوگ بھی پلیز. ویسے آر یو پراؤڈ؟ آئی ایم ریئلی پراؤڈ. ریئلی مائی اسکن. می ٹو. نہیں نہیں ادر وائز. نہیں نہیں آئی ایم ناٹ. او گاڈ, میری فیملی کو پرابلم یہ کہ مجھے کہتا ہے یار ماسی آپ تو آپ اسٹار ہو, آپ یو ڈونٹ ایکٹ لائک ون. آپ بہت کیجول ہو جاتے ہو. آپ ایون یہ بھی, یہ جو بیٹھی ہے نا میرے ساتھ خاموشی میں, ہر سیل سٹار ہے. وی نیور تھرو ٹینٹرمز. ہم نے کبھی نفرہ کیا ہی نہیں. اچھا مجھے بتائیں جیسے رچل ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں رچل کی چلتی ہوگی اور رچل ہی بولتی ہوگی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں بولتی رچل ہوگی صرف, باقی سب لوگ تو اور آپ یقین کرو رچل کہیں گئی ہوتی ہے شوٹ پہ یا کہیں, تو باقی گھر میں بہت وہ متاثر چھا جاتی ہے. مطلب رچل کے ہوتے ہوئے آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں ہاں ہاں میں واقعی بولتی ہوں اینڈ آئی ایڈمٹ دس, بٹ آئی ہوپ کہ میں برا نہیں بولتی. بہت اچھا بولتی ہوں. تھینک یو. آپ جیسے کمنگ فرام یو از رونمنٹ. گھر کی کسی بھی جگہ کی محفل کی جان ہوتے ہیں. پر گھر میں یہ بولتی ہے میرا بڑا بیٹا بولتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا وہ تھوڑا سا نہیں کافی خاموش ہے. یہ تھوڑا خاموش ہے. ایک باقی خاموش میوٹ ہے یہ. ہاں یا میں میرا آپ بھی نہیں بولتی بات. دیکھیے میں سنی لسنر ہوں نا بہت اچھی. اچھا یہ جو اس نے ایک بات کی تھی کہ یہ بڑی بہن ہے لیکن ماں کی طرح ہے, اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اپنے سبلنگ جو ہے وہ اپنے ایسے یاد کرے. اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. بہت تو کبھی بھی نہیں کہیں گی کہ ماں کی طرح, کہیں گی یہ بڑی بہن ہے, کمبخت ہے ہماری چھوٹی بہنوں کی طرح, سنبھالنا اسے ہمیں پڑتا ہے. اور ہم نے کبھی نا ایک ہوتا ہے نا لوگ حیران بھی ہوتے ہیں, اچھا ایک تو ماں کہہ دیا, تو اب جیسے دونوں بیٹیاں بھائی کی تو یہ اپنے پاپا کو ڈیڈا بولتی ہیں, تو یہ پھر پیار میں اس کو بھی ڈیڈا کہہ دے گی. میں کو ڈیڈا بولتی ہوں. ہاں what you did so special for her کہ اسے لگتا ہے کہ یار یہ بہن ہے لیکن ماں جیسی. پتہ نہیں کچھ ایسا مجھے تو لگتا نہیں کہ اسپیشل کیا اس کی, ہماری یہ زیادہ اسپیشل ہے اور اس نے بہت کچھ اسپیشل کیا ہے. لیکن جو فیلنگس کو لگتی ہیں اور اس کے دل سے نکلتا ہے, تو کبھی ہم نے اس بات کو بھی نہیں کیا کہ جی ہم لوگوں کو کلیئر کرتے پھریں یا کوئی ایسا کمپلیکس نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو بارے میں سب بڑا پراؤڈلی کہتی ہوں سب کو. اس کے بارے میں بھی میں یہی کہتی ہوں کہ بہن بھی ہے, مطلب بیٹیاں چھوٹی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں اور بچوں کی طرح ہی پالا ہے, تو وہ اس میں تو بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ جب مجھے ماں کہتی ہے. میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد نا آئی واز کلوز ٹو مائی فادر دین ہر. میں بہت زیادہ کلوز تھی ان کے, مطلب میرے جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تو میں انہیں کے ساتھ اٹیچ رہی ہوں. میری مدر سے میری اتنی بنتی نہیں تھی, میں لڑتی رہتی تھی ان سے کہیں نہ کہیں. تو سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہو گئے, سچویشنس کچھ ایسے ہو گئی کہ دو بھائی میرے ہیں, ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک بھائی ہیں, تو وہ پھر امی اور بھائی ان کا آپ کو جب الگ ہوتے تو پھر ان کا دوست آنا اور یہ کہ میں نے کہا جی میں نے تو میں جاتی نہیں تھی ان کو چھوڑ کے. اوپر سے جب
ये दो चीजें मुझे इन्होंने टॉयज दे दिए थे, तो मैं तो बच्चों की तो मैं वैसे ही क्रेज, तो इनके साथ तो मेरा मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो खुद की शादी का इरादा प्लान कोई दूर दूर तक नहीं रखा हुआ, कभी नहीं कहा आकाश मासी हुए बहुत कहते हैं रोज हा? हम लोग तो रोज कहते हैं हर रोज बड़ा बेटा जहां से है आइडियाज वो उन्होंने किंग फॉर इन्हें कोई गाने स्पेशल ऐसे रखे हैं जो कहीं भी नहीं करने के मासी की शादी हमारी प्रिपरेशन फुल है ये I'm not looking for something extraordinary, exceptional. I'm just making myself prepared for that. पता नहीं क्यों फरा मैं होती हूँ फिर अगर उन्होंने फैसला कर दिया कि रेचल ऐसी हो सकती तो आई नहीं ना कभी तभी तो फ्रेंड्स की ख्वाहिश बहुत है और दुआ भी बहुत है लेकिन जाहिर है फैसला इसी का होगा पसंद इसी की होगी ठीक है मैं एक इमीडिएट बॉम्ब फेंकने लगी कुछ गुनगुनाओगी एंड वी विल टेक ब्रेक थोड़ा सा जस्ट फॉर द ब्रेक कुछ गुनगुना दो एनीथिंग कुछ भी नाजिया हसन का कोई गाना नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में आप खुश आमदीद आज हम रिचल एंड फैमिली से मिले एक चीज रिचल से मैं जानना चाहूंगी वो ये कि जब शादी होगी तो रिचल व्हाइट ड्रेस पहनेगी रेड वाला लहंगा दोनों पहनूंगी दोनों पहनूंगी हाँ। देर किस चीज का पहन भी लो यार आप सब तैयार है बस दूल्हा मिल जाए बस दूल्हा मिल जाए तो, ये लोग जिस तरह से बातें करते हैं ना बड़ा बड़ी फनी बात है गाने भी तैयार हैं वेन्यू क्या करना है कपड़े भी हाँ। इनका सब हो गया अच्छा अब शादी किससे ही मुझे बता दो तो फिर यार मासी क्या है मैंने कहा यार रिलैक्स होगा इंशाल्लाह जब ऊपर से सिग्नल होंगे ना डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा वंडरफुल टू हैव यू पूनम जी इतनी हमने आपसे बातें करनी थी हो नहीं सकी बट यू आर वंडरफुल एक्टर मुझे बताइएगा इतने कमाल जब आप वो कर रही होती हैं एक्सप्रेशंस वो नेगेटिव उसके बारे में वो बंदा के अंदर एक गुस्सीली औरत एक बात बोली है अंदर की नहीं है बिल्कुल भी अच्छा और मैंने जिंदगी में पॉजिटिव रोल ही किया है लेकिन अभी मुझे कभी कोई ऐसे टास्क मिल जाता ना ये तो मेरे अंदर मेरे सांस फूल जाता है बोलने में वाकई कि मुझे अंदर से एग्रेशन दिखाना पड़ता है ना कोई तो मैं वाकई मुझे सांस चढ़ जैसे कोई भाग दौड़ के मैं ईजी नहीं रहती लेकिन जो मैंने नेगेटिव रोल किए हैं वो पसंद बहुत किए गए ठीक है और फिर मुझे फिर मिलते जाते हैं पसंद किया रहे वंडरफुल टू हैव यू ऑल आकाश मिल्का मिशेल पूनम जी आप तो माशाल्लाह एंड रिचल थैंक यू फॉर शेयरिंग योर अमेजिंगली टैलेंटेड फैमिली विद अस एंड लुक फॉरवर्ड के आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी तो ये फैमिली जो है बहुत सारी आकाश कोई हीरो होगा मिल्का एक बहुत सुपर मॉडल होंगी मिशेल जो है एक सुपर सिंगर जिसके बहुत सारे गाने बहुत सारे और बोलेगी भी शायद हाँ बोलेगी भी शायद मूड भी थोड़ा बेहतर होगा रिमाइंड्स मी ऑफ टिपिकल के जो क्या हो रहा है स्लीपी हेड ना सो थैंक यू वेरी मच और अब मैं म्यूजिक लगाएगा नहीं अरे वांट्स के मासी पहले शुरू करेंगे एंड वी ऑल ये जो है ना बस आज शो था सो इजाजत ले रही आपसे कल भी मुलाकात होगी उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी हाफिज़ सर